हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। इट्स बीन अ लॉन्ग, क्योंकि मैं अपने होम टाउन पे थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था टू पोस्ट अ वीडियो। मैं कब से कोशिश कर रही थी, सो आई वाज यूजुअली ऑन माय शॉर्ट्स वीडियोस। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन। तो रिसेंटली वी बॉट अ ट्राइसिकल फॉर माई बेबी। माई बेबी इज़ 2 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि इसको एक ट्राइसिकल हमें लाकर देनी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको नोटिस कर रही थी दैट ही इज़ लाइकिंग दिस। तो अभी हमने रिसेंटली ये परचेज किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू असेंबल दिस। तो ये वाली जो ट्राइसिकल है, ये हमने फर्स्ट क्राई के स्टोर में जाके परचेज करी है, एंड जो इसका ब्रांड है वो है आर फॉर रैबिट। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहेंगे सो आई विल शेयर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एक एक करके मैं आप लोग को सारे पार्ट्स दिखा देती हूँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये इसका जो पहले मैंने निकाला था, वो सबसे पहला पुश हैंडल है, उसके बाद में ये व्हील है, एक साइड व्हील, फिर उसके बाद में इसका सीट, ये हो गया, ये भी एक पुश हैंडल का पार्ट है, तो ये भी उसी में अटैच होगा। उसके बाद में ये एक और दूसरा वाला बैक व्हील इसका, और ये वाला जो है वो है इसका फ्रंट व्हील। ये जो व्हील्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मुझे पकड़ने में भी इतना हैवी लग रहा है। और इसके बाद में है ये इसका सीट का, जो मैं आपको क्या कहूँ, सेफ्टी हार्नेस के पर्पज़ से इसके सीट का ये दिया हुआ है आगे। ये दोनों ऐसे ये लॉक हो जाएंगे आगे, तो आपका जो बेबी है वो आगे की तरफ झुकेगा नहीं साइकिल पर बैठते समय। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें ये वाला जो है, ये मेन बॉडी ऑफ द साइकिल है। इसमें मैनुअल भी दिया हुआ है और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको कैसे साइकिल को असेंबल करना है। ये जो मेरी बेबी के हाथ में है, ये है बॉटल होल्डर। तो आप कहीं भी अपने बेबी को लेकर जा रहे हैं तो यू कैन कैरी अ वाटर बॉटल ऑल्सो। और इसमें आपको दो लॉक भी दिए हुए हैं कि आप साइकिल को लॉक कर सकते हैं, ताकि आप जब एक जगह पर स्टिल हैं तो वो साइकिल मूव ना करे। ये वाला जो पार्ट है, ये आगे का इसका हैंडल है साइकिल का। ये वाला फ्रंट व्हील का पार्ट है, और अभी जो मैं इसमें निकालने जा रही हूँ, ये है साइकिल का मेन हैंडल। मेरे बेबी से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, वो एक एक करके सारे आइटम को देखे जा रहा है, उसे लग रहा है कि बस जल्दी से ये साइकिल असेंबल हो जाए। ये जो है, ये है इसके साइकिल का बैक रेस्ट। तो एक सपोर्ट सिस्टम टाइप है आपके बेबी के ट्राइसिकल के लिए। और नेक्स्ट है इसमें ये इसका कैनोपी। तो कैनोपी तो लगभग असेंबल्ड है, इसे सिर्फ फिक्स करना है साइकिल जब पूरी असेंबल हो जाएगी। तो ये इसमें कैनोपी दी है टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम सन। और नेक्स्ट इसमें इतने सारे आइटम्स होने के बाद में, ये वाले जो है, ये है इसका सीट कवर। इसमें हल्का सा कुशन भी दिया हुआ है आई थिंक, तो आई थिंक ये इसके लिए अच्छा रहेगा। सो ये वाला आई थिंक इसमें लास्ट आइटम है। बाकी जो इसमें आइटम है वो सारे इसमें स्क्रूज हैं फिक्स करने के लिए। इसमें आपको वो दिया हुआ है सेट वगैरह, तो आप आराम से साइकिल को असेंबल कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसकी जो इस पैकेट में हैं। तो ये इसकी साइकिल की बेल है, और ये तो मैनुअल मैंने आपको बताया था, ये मैनुअल मतलब आपको कैसे साइकिल को असेंबल करना है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ इस मैनुअल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मतलब बहुत आसानी से इन्होंने ना मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको, तो आप काफ़ी आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं अपने आप से ही। टूल्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर, और एक एक पार्ट को इन्होंने बताया भी है कि पहले क्या असेंबल करना है। तो ये सारा आइटम इसके बॉक्स में से निकालने के बाद में यहाँ पर ऐसे फैल गया है। तो अब एक एक करके आइटम को असेंबल करना शुरू करते हैं। किट्टू इज़ रियली एक्साइटेड, उसको बस लग रहा है कि क्या है, इसको जल्दी से असेंबल कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनुअल में क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है टू असेंबल द फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको फ्रंट व्हील में हम असेंबल कर लेते हैं। Thank you.
सो फाइनली द वेट इज़ ओवर आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर ऑफ वर्क. हमने ये साइकिल असेंबल कर ली किट्टू के लिए एंड लुक एट इज एक्साइटमेंट यार, सीरियसली दिस साइकिल इज़ रियली अमेजिंग एंड माई बेबी इज़ रियली वेरी हैप्पी. तो ये साइकिल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्वालिटी वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड. सो मैंने आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट सो गो एंड जस्ट चेक आउट. दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.